अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान मूवमेंट। सो इसमें हम देखेंगे इलामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस 1930 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन वी विल डिस्कस कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस 1937 टू 1939, लाहौर रेजोल्यूशंस 1940, देन वेरियस मिशंस एंड प्लान्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द साउथ एशिया एंड फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहसिन अल मुल्क सैयद अमीर अली, अली ब्रदर्स सर आगा खान एंड चौधरी रहमत अली। सो पाकिस्तान मूवमेंट की इवेंट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। पाकिस्तान मूवमेंट्स वाज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेवरल की इवेंट्स ड्यूरिंग द 1930 एंड अर्ली 1940 प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन शेपिंग दिस मूवमेंट, इंक्लूडिंग इलामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस इन 1930, देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द कांग्रेस रोल इन द प्रोविंसेस 1937 टू 1939 एंड द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। पाकिस्तान तहरीक बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के क्याम की सियासी जदोजहद थी जो 1930 और 1940 की जो दहाइयाँ थी इनके दौरान कई अहम वाक़ियात हैं मैंने इस तहरीक को मजबूत किया, जिनमें इलामा इकबाल का 1930 का इलाहाबाद का खिताब था या गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस थी सूबों के अंदर जो कांग्रेस की हुकूमत थी और 1940 की जो लाहौर क़रारदाद थी वो इसके अंदर शामिल है। सो हम सबसे पहले देखते हैं इलामा इकबाल इलाहाबाद एड्रेस 1930, इसका बैकग्राउंड क्या था। इलामा इकबाल जो थे एक मरूफ फलसफी थे, शायर थे। उन्होंने 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में अपने उनका एक मशहूर खिताब था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया था और यह खिताब पाकिस्तान तहरीक की फिक्री बुनियादों में फिक्री बुनियादों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन समझा जाता है। सो एक अहम लम्हा समझा जाता है। इस खिताब के जो अहम नुकात थे उसमें था कि अलहदा मुस्लिम कौम का तसव्वुर पेश किया गया। इलामा इकबाल ने अपने इस किताब में वाजे किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक अलहदा कौम है जिनकी अपनी शनाख्त है और उनकी अपनी सकाफत है, उनका अपना मजहब है और उन्हें एक अलहदा वतन का हक हासिल है जहां वो अपनी मर्जी से अपने मजहब के मुताबिक और अपने रस्म रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो दूसरा इसमें अहम नुकता था कि इसके अंदर खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए खुद मुख्तारी और सियासी इकदार की जरूरत के ऊपर जोर दिया था जिसे एक अलहदा रियासत का तस्वर भी उभरा था। और इसके अलावा इस खिताब के अंदर एक अहम नुकता था इंस्पायरेशन फ्रॉम इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी असूलों से मुतासर था। यानी इलामा इकबाल ने इस्लामी फलसफे और तारीख से रहनुमाई ली और इस्लामी वैल्यूज की अहमियत को हुकूमत और मुआशरती स्ट्रक्चर में वाजे किया, उसको अहमियत दी। सो इकबाल का जो खिताब था उसमें मुसलमानों के रहनुमाओं और जो मुफक्किरीन हैं उनको एक अलग रियासत के इम्कान के ऊपर गौर करने की तरगीब दी गई थी। सो इट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, इग्नाइटिंग डिस्कशंस अबाउट मुस्लिम नेशनलिज्म एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर डिमांड्स फॉर पाकिस्तान। इसने मुस्लिम कौमियत के ऊपर बहस का आगाज कर दिया था मुस्तकबिल में पाकिस्तान के क्याम के मुतालबे की बुनियाद रखी इस किताब में। और दूसरा जो अहम पॉइंट है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट है ये 1930 टू 1932। तो बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में आइनी असलाहत के ऊपर बातचीत के लिए लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इन कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा थे उनको मुल्क के आइंदा निज़ाम हुकूमत पर जो है गुफ्तगू के लिए शामिल किया जाए। तो इस वजह से जो थी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इन गोल मेज जो कॉन्फ्रेंसेस थी इनके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स थे अहम नुकात थे उसमें था पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स देन डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो मुस्लिम रहनुमाओं की शिरकत को यकीनी बनाया गया इन कॉन्फ्रेंसेस में। अहम मुस्लिम रहनुमा थे जैसे इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी रहनुमाओं ने भी शिरकत की थी और मुसलमानों के सियासी हकूक के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में अपने मुतालबात पेश किए थे। और इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में अलहदा इंतखाबी हलकों का मुतालबा किया गया था मुसलमानों के लिए, जहाँ पर मुसलमानों की जिन हलकों में आबादी ज़्यादा थी तो वहाँ पर मुस्लिम रहनुमाओं की ज़रूरत थी मुसलमानों को। तो मुस्लिम रहनुमाओं ने अलहदा इंतखाबी हलकों की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया ताकि मुसलमानों को कानून साज इदारों में बेहतर नुमाइंदगी मिल सके। सो कुछ महदूद नतज थे इस कॉन्फ्रेंस के बावजूद कोई ख़ास आइनी तब्दीलियाँ ना हो सकें और मुसलमानों के जो मुतालबात थे उनको ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर पूरा
उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमानों में काफी मायूसी फैली। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, तो मुसलमानों के सियासी हकूक की जरूरत को इसने रिप्रेजेंट किया, हाईलाइट करने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी जो पॉलिसियाँ थी उनकी लिमिटेशंस को भी वाजे किया। इन कॉन्फ्रेंसेस ने मुसलमानों को अपने हकूक और जो उनकी खुद मुख्तारी के मुतालबात थे वो भी पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। सो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट इवेंट देखते हैं, कांग्रेस रूल इन द प्रोविंस। सूबों में जो कांग्रेस की हुकूमत थी 1937 to 1939, तो इसका पस मंजर क्या था कि 1935 एक्ट था, यानी 1935 की हुकूमत हिंद एक्ट के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी थी उसका निज़ाम जो था मुतारिफ करवाया गया था, और जिसके तहत जो सियासी जमातें थी उनको मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें बनाने का मौका मिला। और 1937 के इंतखाबात के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कई सूबों में अपनी हुकूमतें कायम की थी। और इसके इम्पोर्टेंट जो फीचर्स थे इसमें अहम नुकात हैं, कांग्रेस रूल इम्प्लीमेंटेशन, डिसरिगार्ड फॉर मुस्लिम इंटरेस्ट, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। सो कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, मदारिस, एमिंग टू इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज एंड गवर्नेंस मॉडल। कांग्रेस हुकूमत का नफाज अमल में आया। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मद्रास जैसे सूबों में हुकूमतें कायम की थी। अपनी पॉलिसियों और तर्ज हुकूमत को भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा मुसलमानों के मफादात को नज़रअंदाज किया गया। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान अक्सर मुसलमानों के मफादात और शिकायात को नज़रअंदाज कर दिया गया। सो मैनी मुस्लिम्स फेल्ट मार्जिनलाइज्ड एंड इग्नोर्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में अदम इत्मीनान भी पैदा हुआ और सियासी तहरीक में इसके अंदर इजाफा हो गया। तो इन यानी कि मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया, तो मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि सियासी सत्ता के ऊपर भी उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो कांग्रेस की हुकूमत की नाकामी की वजह से मुसलमानों में सियासी तहरीक में इजाफा हुआ और उनके अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश भी मजबूत हुई। सो कांग्रेस रोल इन द प्रोविंसेस डेमोंस्ट्रेटेड द inadequacies of Hindu majority politics in addressing the rights and needs of the Muslims. So this period contributed to a growing sentiment among Muslims for a separate political identity and representation. सूबों में कांग्रेस की हुकूमत ने हिंदू अक्सरियती सियासत की नाकामी को भी जाहिर किया कि वो मुसलमानों के हकूक और जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रही थी, क्योंकि 1937 के जो इंतखाबात थे वो जीतने के बाद कांग्रेस ने हर फील्ड में जो है हिंदुओं को अहमियत दी, उनके मफादात को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। सो इस दौर ने मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी शनाख्त और जो एक अलग रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत के एहसास को बढ़ाया। सो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट इवेंट डिस्कस करेंगे, लाहौर रेजोल्यूशन 1940, करारदादे लाहौर 1940। सो करारदाद लाहौर जिसे 23 मार्च 1940 को आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मंजूर किया था, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी और पाकिस्तान तहरीक में एक अहम यह संग मेल थी। सो इट फॉर्मली आर्टिकुलेटेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, और इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के क्याम का बाकायदा मुतालबा किया गया था। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स थे डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, एम्फसाइज ऑन ऑटोनॉमी एंड इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग टेंशंस। सो अलहदा रियासतों का मुतालबा किया गया था इसमें, इस करारदाद में हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरबी और मशरकी हिस्से थे इसमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, तो इसमें आज़ाद रियासतों के क्याम का मुतालबा किया गया था मुसलमानों के लिए, जिसने पाकिस्तान के क्याम का वाज़ेह मुतालबा पेश किया। उसके बाद इसमें खुद मुख्तारी के ऊपर जोर दिया गया, इट एम्फसाइज्ड दैट मुस्लिम्स शुड हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड क्रिएट देयर ओन पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। सो करारदाद में इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया गया था कि मुसलमानों को अपने सियासी और समाजी निज़ाम को इस्लामी असूलों के मुताबिक शेप देने का हक होना चाहिए, तश्कील देने का हक होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें तनाज़ात भी बढ़े थे, तो बढ़ते हुए तनाज़ात के जवाब में यह करारदाद मंजूर हुई थी। करारदाद बढ़ते हुए फिरकवाना तनाज़ात को और कांग्रेस की हुकूमत से अदम इत्मीनान के रद्दअमल के तौर पर सामने आई थी। सो लाहौर रेजोल्यूशन ने एक अलग रियासत पाकिस्तान के लिए बाज़ाब्ता मुतालबे का आगाज किया था, और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म बन गई थी,
और एक अलग-अलग मुस्लिम शनाख्त और हुकूमत की वकालत करने वालों के लिए एक नुक्ता इतिहाद भी इसने फराहम किया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस मिशंस एंड प्लान फॉर पार्टीशन। नेहरू रिपोर्ट 1928। सो पाकिस्तान जो तहरीक थी इसमें मिशन तकसीम के मंसूबे और इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ जो नेहरू रिपोर्ट भी पेश की गई थी। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो रिपोर्ट जो थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से ये तैयार की गई थी, उनके रहनुमा थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरफ से ये 1928 में रिपोर्ट तैयार की गई थी और इसमें अन्य असलाहत का खाका पेश किया गया था, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिंदू के मफादात को तरजीह दी गई थी और मुसलमानों को इसमें इग्नोर कर दिया गया था। तो इसके ऊपर फिर मुसलमानों का भी रद्द अमल आया, मुस्लिम रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदुओं के मफादात को प्रोटेक्ट किया गया था और इसके नतीजे में मुसलमानों ने अलहदा नुमाइंदगी का मुतालबा किया और कैद आजम ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 पॉइंट्स दिए। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उनका मकसद क्या था? बरतानवी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान में अन्य असलाहत के ऊपर गुफ्तगू के लिए ये कॉन्फ्रेंसें बुलाई गई थी और नतीजा अगर हम इनका देखें तो मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने मुतालबात पेश किए थे लेकिन बरतानवी मनसूबों की जो नाकाफी सहूलतें थी उन्होंने मुसलमानों की सियासी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, सियासी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके की फीचर्स ये हैं कि इस एक्ट ने सूबे खुद मुख्तारी का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन मुसलमानों के लिए अलग इंतखाबी हलकों या मुनासिब सियासी हकों की जरूरत को इसने भी पूरा नहीं किया। अब इसका इम्पेक्ट क्या पड़ा कि इसके नतीजे में कई सूबों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई 1937 to 1939 जिसने मुसलमानों को मजीद मायूस किया और अलहदा वतन की ख्वाहिश को मजीद उन्होंने मजबूत कर दिया। सो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी करारदादे लाहौर 1940 में पास की गई थी, इस करारदाद में शुमाल मगरबी और मशरक हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासतों के क्याम की जरूरत का बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया था और इस करारदाद ने मुस्लिम कम्युनिटी को मुतहरिक किया और तहरीक को एक वाज़ह डायरेक्शन दी। और क्रिप्स मिशन 1942, बरतानवी हुकूमत ने दूसरी जंग अजीम के दौरान हिंदुस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था। इस क्रिप्स मिशन का ये ऑब्जेक्टिव था और इसके जो इसने तजावीज़ दी थी कि इस जंग के बाद डोमिनियन का दर्जा देने की पेशकश की गई थी लेकिन नाकाफी यकीन दहानों की वजह से कांग्रेस और मुस्लिम रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया था। फिर कैबिनेट मिशन आया 1946, तो हिंदुस्तानी रहनुमाओं से जो था कि ताकत की मुंतकली के ऊपर बातचीत हुई, हुकूमत के लिए एक फ्रेमवर्क की तजवीज़ को भी पेश किया गया और एक वफाकी स्ट्रक्चर की फेडरल स्ट्रक्चर की तजवीज़ दी गई थी जिसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, ठीक है। और लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम रहनुमा थे उनके इख्तलाफात की वजह से इस प्रपोजल को इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था जिससे तकसीम की खलीज जो थी वो मजीद गहरी हो गई। सो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 जो में रास्त इकदाम अपनाया गया, इसका पस मंजर क्या था कि मुस्लिम लीग की जानब से कांग्रेस के गलबे के खिलाफ एहतजाज के तौर पर जो में रियासत इकदाम का ऐलान किया गया था और इसका क्या नतीजा निकला, इट लेड टू वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स अंडरस्कोरिंग द अर्जेंट नीड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स। इसके नतीजे में फिरका वराना फसादात फूट पड़े थे जिससे मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत की जरूरत मजीद वाजे हो गई। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। कैद आजम मोहम्मद अली जिना का रोल देखेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक के सबसे जो नुमाया रहनुमा थे और बानी थे जिना ने मुसलमानों के हकूक और नुमाइंदगी के लिए भरपूर वकालत की, अलहदा रियासत के मुतालबे को उन्होंने मौसर अंदाज में पेश किया था। उनका विजन पाकिस्तान को एक जमहूरी और तमाम शहरों के लिए मसावी हकूक वाली रियासत बनाना था। इसके बाद मोहसिन अल मुल्क जो थे रहनुमा मुसलमानों के बरसगीर में उनका भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन थी, अहम सियासी शख्सियत थे वो, मुसलमानों के तालीम और सियासी हकूक के वो हामी रहे और उन्होंने आल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम में बहुत अहम किरदार अदा किया था। मुसलमानों में सियासी शऊर बेदार करने के लिए उन्होंने अंतक मेहनत की। इसके अलावा रहनुमा थे सैयद आमिर अली 1849 to 1928। सो सैयद आमिर अली एक मुमताज़ जज थे और सियासी रहनुमा भी थे और इनके अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मुस्लिम कौम परस्ती के लिए उन्हें इब्तदाई हामियों में वो शामिल थे और हिंदुस्तान मुसलमानों की अलहदा पहचान एक अलहदा शनाख्त की ज़रूरत को उन्होंने हाईलाइट किया था और ख़ास तौर पर तालीम और जो कानूनी असलाहत थी उनकी अहमियत के ऊपर उन्होंने जोर दिया।
इसके अलावा जो अली बरादरान थे जिनमें मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना शौकत अली शामिल थे, उनका भी बहुत अहम किरदार रहा खिलाफत तहरीक में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यानी के मारूफ रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। Then they worked to unite Hindu and Muslims against British rule, but later recognized the need for a distinct Muslims political identity. और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बरतानवी इक्तदार के खिलाफ मुतहिद करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मुसलमानों के लिए अलहदा सियासी शनाख्त की जरूरत को तस्लीम किया जाए। और अहम रहनुमाओं में शामिल थे सर आगा खान। उनके अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी रहनुमाओं में शामिल थे, एक अहम सियासी शख्सियत थे। उन्होंने मुसलमानों के हकूक के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ सियासी मुबहसों में मुसलमानों की उन्होंने नुमाइंदगी की थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर शामिल थे वो। चौधरी रहमत अली एक और रहनुमा है मुसलमानों के। उन्होंने मुस्लिम कौम परस्त और पाकिस्तान के तसव्वुर के इब्तदाई हामियों में उनका शुमार होता है और उन्होंने 1933 में नाउ और नेवर के नाम से एक पंफलेट यानी पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था एक पंफलेट में, और जुग्राफियाई लासानी और सकाफती बुनियादों के ऊपर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया था। सो पाकिस्तान मूवमेंट वाज शेप्ड बाय वेरियस मिशंस एंड प्लान्स एम्ड एट एड्रेसिंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द मुस्लिम इन साउथ एशिया। द की फिगर्स इन दिस मूवमेंट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स इन आर्टिकुलेटिंग द नीड फॉर अ सेपरेट होमलैंड एडवोकेटिंग फॉर मुस्लिम राइट्स एंड प्रमोटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मुस्लिम्स। पाकिस्तान ने तहरीक मुस्लिम मिशन और मंसूबों के जरिए तश्कील पाई जिनका मकसद बर सगीर के मुसलमानों की सियासी ख्वाहिशात को पूरा करना था, और इस तहरीक के अहम रहनुमाओं ने मुसलमानों के हकूक के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, वकालत की थी, अलग रियासत की ज़रूरत को उन्होंने उजागर किया, मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा किया। और कैद आज़म मोहम्मद अली जिना और इनके अलावा मोहसिन अल मुल्क सैयद अमीर अली अली बरादरान सर आगा खान और चौधरी रहमत अली जैसे रहनुमा थे। उन्होंने पाकिस्तान के क्याम की बुनियादें रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी जदोजहद और मुख्तलिफ जो उनके मिशन और उनके यानी मंसूबे थे वो बरसगीर मुसलमानों की आज़ादी के लिए एक अलग रियासत के क्याम की पेचीदगी को उजागर करते हैं। तो ये थे पाकिस्तानी तहरीक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उनकी अहमियत को हमने देखा, इलामा इकबाल के खिताब और उनके अहम नुकात, गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंसेस ये क्या थी, उनके मकासद क्या थे, सूबों में कांग्रेस की हुकूमत किस तरह से कायम हुई थी और करारदाद लाहौर के अहम नुकात हमने देखे। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक मिशन तकसीम के मंसूबे और पाकिस्तान के बानी उनको देखा, पाकिस्तान के रहनुमाओं के किरदारों को हमने डिस्कस किया। देन तकसीम के मुख्तलिफ मिशन और मंसूबों को देखा, गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हुकूमत हिंद एक्ट 1935 और करारदाद लाहौर क्लब्स मिशन काबीना मिशन के क्या नतज निकले, जो हमें रास्त इकदाम किस तरह से उठाया गया और पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं के किरदार को हमने डिस्कस किया। कैद आज़म मोहम्मद अली जिना इनमें शामिल हैं, मोहसिन अल मुल्क हैं, सैयद अमीर अली अली बरादरान हैं, सर आगा खान हैं और चौधरी रहमत अली। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।